स्टूडेंट्स, हमने अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बात आपको अभी बताना चाहूंगा, अभी ये छोटे छोटे पार्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि इजिली हम चीजों को एक बार दस के बाद में थोड़े बड़े लेक्चर भी आपको देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, फीचर्स आपने हर किसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़े हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं, बेसिक फीचर, कैरेक्टर उनके किस प्रकार से प्रोसेस होता है, वो क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसमें रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है डीएनए का डबल होना। डीएनए का जो अमाउंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका अमाउंट डबल होना, उसे क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। हम आगे चैप्टर भी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन पूरा डिस्कस करेंगे। उस दूसरा क्या, सेल डिवीजन। आपने सेल डिवीजन पढ़ा हुआ है, सेल डिवीजन साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं सेल डिवीजन, इसको बोला जाता है साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मेच्योर या अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये तीन चार बेसिक फीचर्स मैंने रिप्रोडक्शन की आपको बताई है। डीएनए की रेप्लिकेशन, जब डीएनए का अमाउंट डबल होना, आपने सेल डिवीजन पढ़ा है उसमें भी आपको जो फेज बताई थी, विच फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है, आप मुझे बताओगे भी कौन सी फेज में होती है। दूसरा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमने माइटोसिस भी पढ़ा था और मियोसिस भी पढ़ा था। अब आपको एक और बार बता दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, सिर्फ माइटोसिस होती है, और सेक्सुअल में क्या होती है, मियोसिस। इसका रीजन क्या है, यूनिपेरेंटल एंड बाईपेरेंटल आपको बताया था। बाईपेरेंटल, बाईपेरेंटल में दो गैमेट मिल रहे हैं, ठीक है, तो हैप्लोइड, हैप्लोइड क्या बना रहे हैं, डिप्लोइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डिप्लोइड। डिवाइड होगा किसके अंदर जाएगा, अब डिवीजन करनी होगी इसको वापस गैमेट बनाना होगा, क्या करेगा ये, मियोसिस ही करेगा ना, डिप्लोइड से हैप्लोइड बनाना है तो। और जो उसके अंदर तो सिर्फ है ही सिंगल पेरेंट्स, वहां पे हैप्लोइड, ठीक है, तो डिप्लोइड चाहे वहां पे हैप्लोइड हो चाहे डिप्लोइड हो, कुछ क्या भी होगा वहां पे माइटोसिस होगा, वहां पे रिड्यूस नहीं होगा साइज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।